नमस्कार, मैं हूं नवरात्रि ऐश्वर्या। ग्रैंड एशियन न्यूज के इस उत्साहपूर्ण एवं खास पेशकश साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राशिफल एक ऐसा विषय है जिसको लेकर हम सभी हमेशा ही उत्सुक रहते हैं। जी हाँ, राशिफल हमें अपने भविष्य के बारे में न केवल जानकारी प्रदान करता है अपितु ग्रह नक्षत्रों की दशा दिशा एवं चाल को जानकर उनके अनुसार उपाय कर व्यक्ति अपने दिनचर्या तथा जीवन को सरल एवं सुगम बना सकता है। और तो और, केवल कुछ आसान से उपाय कर हम अपने भविष्य में बड़े बदलाव भी ला सकते हैं। तो इन्हीं कुछ विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए दर्शकों के लिए खास ग्रैंड एशियन न्यूज द्वारा इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अतः आप अपना साप्ताहिक राशिफल एवं हर राशि के अंत में राशि अनुसार सप्ताह को शुभ बनाने के उपाय जानने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहें। दर्शकों, ध्यान रखें, इस हफ्ते का यह राशिफल 31 जुलाई से 6 अगस्त तक का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह की शुरुआत अनुकूल रहेगी। पूर्वाध का समय सफलता भरा रहेगा। अगर कोई रुका हुआ काम या रुका हुआ धन है तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार को मिलने की संभावना है। पदोन्नति के लिए भी योग बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, दोस्तों के साथ समय बिताएं। शुभ अंक 2, शुभ रंग लाल। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत किसी जरूरतमंद को भोजन खिलाकर करें। वृषभ राशि, आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। यह सप्ताह इस राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगा। भागदौड़ का सकारात्मक परिणाम मिलता नजर आ रहा है। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। घूमने फिरने का अवसर जातक को मिल सकता है। देश विदेश की यात्रा के भी योग बनते नजर आ रहे हैं। व्यावसायिक दृष्टि से भी सप्ताह उत्तम है, इसीलिए बाजार एवं शेयर मार्केट में पैसा लगाने पर बड़े लाभ की स्थिति बन सकती है। अच्छे मकान एवं वाहन का भी योग है। सुख सुविधाओं में भी वृद्धि हो सकती है। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा। वृष राशि के जातक, इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए आप सप्ताह की शुरुआत सूर्य देवता को जल चढ़ाकर करें। चलिए बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि के स्वामी बुध है। व्यापार से जुड़े लोगों का यह सप्ताह उत्तम रहने वाला है। व्यापार संबंधित सारी परेशानियां दूर होती नजर आ रही है। भूमि संबंधी, व्यापार संबंधी कोई विवाद चल रहा है तो इस सप्ताह में उसका निवारण होगा। नौकरी पेशे से जुड़े लोगों की भी परेशानियां इस सप्ताह में कम होंगी। बुधवार और शुक्रवार के दिन सफलता के योग बनते नजर आ रहे हैं। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा। मिथुन राशि के जातक, इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत आप शिवलिंग पर जल चढ़ाकर करें। कर्क राशि के जातक, आपको इस हफ्ते मेहनत का फल मिलने वाला है। कर्क राशि के लिए सप्ताह मान मर्यादा, प्रतिष्ठा और धन की दृष्टि से उत्तम रहेगा। पारिवारिक और सामाजिक विवाद हो सकता है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस सप्ताह में सावधानी बरतने की जरूरत है। अपनी वाणी में संयम रखें, रोग की वृद्धि हो सकती है। परिवार के साथ समय बिताएं। आपके लिए शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद। कर्क राशि के जातक, सप्ताह की शुरुआत आप चंद्रमा को जल चढ़ाकर करें। सिंह राशि, इस सप्ताह इस राशि के जातकों का समय अनुकूल रहेगा। भाग्य जातक का साथ देगा। घर परिवार में भी खुशी का वातावरण बनेगा। सरकारी सेवा से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत अनुकूल है। प्रमोशन या अच्छे स्थान पर स्थानांतरण के योग बनते नजर आ रहे हैं। देश विदेश के यात्रा के भी योग है। व्यावसायिक दृष्टि से भी सप्ताह उत्तम है। इस सप्ताह इष्ट मित्रों का पूरा सहयोग मिलता नजर आ रहा है। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह बहुत ही अनुकूल है। आपके लिए शुभ अंक 8, शुभ रंग कत्थई। सिंह राशि के जातक, इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत दुर्गा माता के किसी भी मंत्र का जाप करके करें। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों का यह सप्ताह आपका संगठन और कुशल स्वभाव आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करेगा। अच्छा स्वास्थ्य उत्पादकता और प्रेरणा को बढ़ाएगा। करियर में प्रगति से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके लिए आसपास के लोगों के प्यार और समर्थन से रिश्ते फलते फूलते रहेंगे। आपके लिए शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला। कन्या राशि के जातक, इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सप्ताह की शुरुआत भक्ति भजन सुनकर करें। तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, इस सप्ताह आपको अपने कार्यालय में प्रशंसा प्राप्त होगी। आपका व्यापार उत्तम चलेगा। धन की प्राप्ति होगी। आपको अपने संतान से कोई खास सहयोग प्राप्त नहीं होगा। छात्रों की पढ़ाई में बाधा आती नजर आ रही है। पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। माता जी के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, अतः आप उनके भी स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। घर में खुशी का माहौल बनाए रखें। आपके लिए शुभ अंक
एक शुभ रंग नीला। तुला राशि के जातक, सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आप सप्ताह की शुरुआत तुलसी जी को जल डालकर करें। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आप अपने भावुक स्वभाव को अपनाएं, क्योंकि आप निडर होकर अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हालांकि कुछ तनाव रह सकता है। आपके करियर में प्रेरणा मिलेगी, आत्मविश्वास बनाए रखे। आपके लिए शुभ अंक 4, शुभ रंग जामुनी। उपाय, वृश्चिक राशि वाले जातक, सप्ताह को शानदार बनाने के लिए आप सप्ताह की शुरुआत सूर्य नमस्कार करके करें। अब आगे बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। धनु राशि, इस सप्ताह आपके परिवार का आप आनंद लेंगे। रोमांच को अपनाएं, निडरता से नए क्षितिज खोजें और परिकलित जोखिम उठाएं। अच्छा स्वास्थ्य बना रहेगा, जिससे आपकी ऊर्जा और प्रेरणा बढ़ेगी। करियर के लिहाज से आत्मविश्वास आपको प्रेरित करेगा। उत्साह के साथ नए विचार पैदा होते नजर आ रहे हैं। आपके लिए शुभ अंक 5, शुभ रंग गुलाबी। धनु राशि के जातक, सप्ताह को शुभ बनाने के लिए उपाय के तौर पर आप सप्ताह की शुरुआत वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके करें। मकर राशि, इस सप्ताह इस राशि के जातकों का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण बना रहेगा। बने बनाए कार्यों के उलझ जाने से जातक तनाव महसूस कर सकता है, इसलिए निरंतर कार्य योजनाओं को ध्यान में रखते हुए सही समय पर सही निर्णय लेने का प्रयास करें। ठेकेदारी से जुड़े लोगों के लिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। थोड़ी सी असावधानी जातक के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। लेन देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपके लिए शुभ अंक 2, शुभ रंग पीला। मकर राशि के जातक, उपाय के तौर पर आप सप्ताह की शुरुआत धार्मिक स्थल पर जाकर करें। अब बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर। कुंभ राशि का यह सप्ताह खुशनुमा बीतेगा। अविवाहित जातकों के विवाह के अच्छे प्रस्ताव इस सप्ताह आ सकते हैं। कुंभ राशि के लोगों का व्यापार उत्तम रहेगा, सामान्य धन आने का योग है। कार्यालय में आपकी छवि अच्छी बनेगी, अधिकारियों से आपको अच्छा सहयोग भी प्राप्त होगा। भाग्य से कम मदद मिल सकती है। आपके शत्रु परास्त होते नजर आ रहे हैं, मगर इसके लिए आपको विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। शुभ अंक 8, शुभ रंग गुलाबी। कुंभ राशि के जातक, इस सप्ताह को शानदार बनाने के लिए आप सप्ताह की शुरुआत शनि देव के मंत्रों का जाप करके करें। बढ़ते हैं आगे मीन राशि की ओर। मीन राशि वाले, सप्ताह आप अपने अंतर ज्ञान और करुणा को अपनाएं, अपनी भावनाओं को निडरता से दिखाएं, अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लें, शांत और तनाव मुक्त महसूस करें। अपने करियर में रचनात्मकता और नए विचारों को अपनाएं, प्रियजनों के साथ मजबूत रिश्ते को संजोएं और साथ में गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। अपनी आंतरिक भावनाओं से जुड़े रहें और अपनी रचनात्मकता को उड़ान भरने दें। आपके लिए शुभ अंक 6, शुभ रंग संतरी। मीन राशि के जातक, आप इस हफ्ते को शुभ बनाने के लिए हफ्ते की शुरुआत 3 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करके करें। अतः दर्शकों, इसी तरह हमारा यह खास पेशकश साप्ताहिक राशिफल देखने के लिए ग्रैंड एसी न्यूज पर हर हफ्ते बने रहिए। अब तक के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद।